आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मनोज तिवारी जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अभय वर्मा जी, जो कि हमारे जो युवा विजय संकल्प रैली कल रामलीला मैदान में है उसके इंचार्ज हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुनील यादव जी, जो कि पिछले 3 महीने से लगातार युवा विजय संकल्प रैली पर काम कर रहे हैं, साथ में हमारे युवा मोर्चा की टीम के सदस्य नीतू डबरा जी, विनीत जी सदस्य यहाँ पर बैठे हैं। मैं आदरणीय मनोज तिवारी जी से आग्रह करूँगा कि इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। दोस्तों, आप सबको नमस्कार। और हमारे साथ सुनील यादव जी, जो हमारे प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, स्वयं उपस्थित हैं, और अभय वर्मा जी, जो कल हम लोग एक और युवाओं के सम्मेलन से रामलीला मैदान की ऐतिहासिक मैदान में कुछ विचारों का मंथन करेंगे, और मैंने अशोक जी को बोला कि आज हम लोग बात कर लेते हैं, कल तो जो बातें होंगी उसके पहले आप सबको जानकारी दे दूं मैं। और आज एक बड़ी कमाल की बात हुई, जैसे मैं घर से निकल रहा था यहाँ आने के लिए, दिल्ली के लगभग 130 युवा जो न तो कहीं हमारी पार्टी के सदस्य नहीं, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले लोग, और मेरे घर पे आ गए, क्योंकि शनिवार है, सबको पता होता है कि शनिवार को हम लोगों से मिलते हैं। 130 युवा, बिल्कुल यंग बच्चे, जो अभी या तो इसी साल वोटर बने हैं या तो पिछले साल बन गए थे। तो मैंने उनसे पूछा, आपका आगमन कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ संवाद करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित था, क्योंकि यूथ संवाद तो हम लोगों का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन अचानक तो मुझे एक पता चला कि हमारी टीम से एक व्यक्ति से उन्होंने संपर्क किया था और बोले थे कि शनिवार को हम रहेंगे ही, तो आप लोग आ जाओ। और उनके बीच मेरा, मैं सोचा कि ठीक है, आइए 15-20 मिनट बात कर लेते हैं। वो बात मेरी लगभग 1.25 घंटे पहुंच गई, और इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मुझे लगा कि इनके बातों का जवाब देना पहले बहुत आवश्यक है। और उनको ये भी पता है कि कल युवा मोर्चा की विजय संकल्प रैली रामलीला मैदान में होने वाली है। उनके जिन सवालों को मैं सुना हूं, उससे मेरा पूरा विश्वास बना है कि जो कल की युवा विजय संकल्प रैली है, महारैली हम लोगों की रामलीला मैदान की, उसने युवाओं में एक जबरदस्त मैसेज दिया है। उनके सारे जवाब को हमने तुरंत, जब 2-3 सवाल आए तो मैंने समझ गया कि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, और मैंने उसका वीडियो वगैरह भी बनवाना शुरू कर दिया। जो लोग थे उन्होंने मोबाइल से बनाइए, एक हमारे साथ कैमरामैन रहता है उसने भी तुरंत वीडियो बनाना शुरू किया। मैं अशोक जी से बोलूँगा कि शाम तक उसको एडिट करके उसको ज़रूर सबको दिया जाए। ये जो हमारी 1.25 घंटे की मीटिंग उनसे हुई है, उसका संबंध है कल की युवा विजय संकल्प रैली से, जो सुनील यादव जी के नेतृत्व में हो रही है। आप सबों को, मीडिया के सभी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब अपने साथियों को, एक तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं कल के लिए कि आप जरूर आइए। रामलीला मैदान में सभा करना किसी भी संस्था के लिए, पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। भय भी रहता है, रामलीला मैदान में ठान दिए सफल होगी कि नहीं, लोग आएंगे कि नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो प्रेम उमड़ा है लोगों का,
उसी का ये बानगी है कि हम जब रामलीला मैदान में अपने मोर्चे को भी कहे तो उन्होंने इतने सफलता से कार्यक्रम किया कि वो एक इतिहास बन गया। और कल उसी में बारी युवा मोर्चा की है। कल युवा मोर्चा ने विजय संकल्प महारैली जो आयोजित की है उसमें अतिथि गण भी बहुत महत्वपूर्ण आ रहे हैं। कभी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 3 टर्म तक उन्होंने ऐसा काम किया कि चौथी बार भी मात्र 6-7 सीटों से उनको चौथे टर्म में वहां से उनको नुकसान झेलना पड़ा। जबकि पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री 3 टर्म चलाते हैं सरकार और चौथी बार भी जनता उनको मतलब विधानसभा हंग होती है, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। ऐसे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, कल वो युवा विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अनुराग ठाकुर जी, स्वयं उपस्थित रहेंगे। और वर्तमान में जो हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चा की अध्यक्ष हैं पूनम महाजन जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक अदम्य क्षमता वाले प्रमोद महाजन जी की बेटी हैं, कल वो भी रहेंगी। और हम सब कल युवाओं के साथ एक भव्य संवाद करेंगे, मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। हम सब ने एक जो योजना बनाई है उसमें कल युवा मोर्चा की बारी है। आप सबके मन में ये तो आता ही होगा कि रामलीला मैदान को तो बीजेपी वालों ने मजाक समझ लिया, जब चाहते हैं तब भर देते हैं। लेकिन यहां तक आने के लिए हम लोगों को बड़ी साधना कड़ी पड़नी है। साथियों, रामलीला मैदान में ऐतिहासिक सम्मेलन हुए हैं, अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ हमारा। और मैं जब पूरा रामलीला मैदान का इतिहास स्टडी कर रहा था तो उसका निचोड़ जो हमें मिला, मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष और पूरे देश की जो भारतीय जनता पार्टी उपस्थित थी लगभग 20,000 की संख्या में, उनके समक्ष मैंने एक लाइन बोली थी कि ये मैदान सरकार बनाने के लिए बड़ा शुभ हुआ करता है। 2014 के पहले भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। उस जगह पे हम पूर्वांचल महाकुंभ कर चुके हैं, भीम महासंगम कर चुके हैं, समरसता खिचड़ी सबको खिला चुके हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुके हैं। उसकी प्रक्रिया जारी है कि 5,000 किलो खिचड़ी एक ही बर्तन में अगर कहीं बना तो रामलीला मैदान में एससी मोर्चा के आयोजन में बना। फिर हमने वहाँ महिला मोर्चा का एक बहुत ही सफल रैली किया, महिला हुंकार रैली, यही था नाम ना, महिला हुंकार रैली। तो हमने महाकुंभ भी वहाँ कर लिया, हमने वहाँ महिलाओं की हुंकार भी दे दी, हमने समरसता खिचड़ी भी परोस दी। और कल हमारी युवा मोर्चा विजय संकल्प महारैली के साथ रामलीला मैदान में उपस्थित हो रही है। कल के इस महारैली में हम लोग बहुत सारे प्रस्ताव पास करने वाले हैं, उन प्रस्तावों की चर्चा मैं आज नहीं करूंगा क्योंकि कुछ तो बचा रहना चाहिए ना, जो वहां क्या होगा उसको आप सब देखेंगे। लेकिन होगा इम्पोर्टेंट, कल के प्रस्ताव जो आएंगे और रामलीला मैदान में युवा विजय संकल्प महारैली को हम एक सदन की तरह मान करके वहां प्रस्ताव रखेंगे और वो प्रस्ताव देश और दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सबकी उपस्थिति से हमारे इस कार्यक्रम में
कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो जनता का हित है दिल्ली और देश का, उसको पूरा करेंगे। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें वहाँ बताई जाएंगी ना। हम लोग कल के उस फंक्शन में क्या क्या करने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं सारा फुटेज क्यों लूँ, मैं सुनील यादव जी को भी चाहता हूँ कि वो कुछ बातें आपसे बताएं, क्योंकि उनको कुछ इशारा कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं राहुल गांधी ना बनूँ, क्योंकि जो लोग कान में बोलने लगे तब मैं बोलूँ। मेरा आपको बताने का उद्देश्य इतना ही था कि कल हम रामलीला मैदान में युवा विजय संकल्प रैली कर रहे हैं। हमने अपने गेस्ट का नाम बता दिया, उससे जुड़ी कुछ और बातें मैं चाहता हूं कि सुनील यादव जी, जो हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं, आपको स्वयं बताएं। आपका अधिकार है। धन्यवाद भाई साहब, आपने सारा विषय हमारी युवा विजय संकल्प रैली के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से रख दिया है, लेकिन उसकी कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि पिछले 3 महीने में हमने इसकी जो तैयारी करी है, उस तैयारी में हमारे सारे प्रदेश के पदाधिकारी, जो युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, वो सारे अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। उसमें प्रदेश पदाधिकारी के अलावा जिलों के हमारे अध्यक्ष और जिलों के सारी पूरी की पूरी टीम, महामंत्री समेत, वो लोग इस कार्यक्रम में लगे पड़े हैं। हमने विधानसभा संयोजक और प्रभारी बनाए हैं, वो अपने काम में अच्छी तरह से लगे हुए हैं, और हमारी 280 जो हमारे वार्ड और मंडल हैं, उसके अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, लगभग 7,500-8,000 कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और मोदी जी की उपलब्धियों को लिए, जो प्रदेश से शुरू होकर जिले से होते हुए, विधानसभा होते हुए, वार्ड होते हुए, बूथों तक जानी है, वो सारी उपलब्धियों को, मोदी जी की उपलब्धियों को नीचे तक पहुँचाने की हमने योजना बनाई है इस महारैली के माध्यम से। तो जितना यूथ हम लोग जोड़, हजारों की संख्या में यूथ वहाँ रामलीला मैदान में आएंगे, और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, भाई मनोज तिवारी जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन जी, अपने अनुराग ठाकुर जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब लोग उसमें रहने वाले हैं। और मोदी जी की योजनाओं के बारे में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा वहाँ से उसकी जानकारी लेकर जाएँ, जो भी वहाँ से निकले। तो हमने उसका डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करी है, जैसे मुद्रा योजना, कुछ युवाओं से रिलेटेड योजनाएँ हैं, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया है या मुद्रा योजना है या स्किल इंडिया है, इसके डाटा हमने लिए हैं, उसके बना के नेताओं के माध्यम से वहाँ पे युवाओं तक जाएगा, और युवा वहाँ से लेकर बूथ तक पहुँचेंगे। और हमारी मोटा मोटा चुनाव की तैयारी है लोकसभा आने वाले समय पे, और बहुत सारी हमने योजना युवा मोर्चा ने आने वाले कार्यक्रमों में के लिए हमने बनाई है, जो हमारा 12 जनवरी से शुरू होता है। अभी युवा संवाद जो हमारा अभी 20 ये जो युवा महारैली है, इसमें सारे नेता आके उनसे संवाद करेंगे और बताएंगे कि मोदी जी ने क्या किया। उसके बाद लगातार, चाहे वो कैंपस एम्बेसडर हो, 12 जनवरी से शुरू होना है, वो शुरू होगा। युवा आइकॉन नेटवर्क एक हम चलाएंगे पूरे देश में, पहला वोट मोदी का एक संकल्प अभियान चलेगा इस महारैली के बाद। उसके बाद पहला वोट मोदी संकल्प अभियान हम लोग बूथ तक इसको लेके जाएंगे। ऑनलाइन एक प्रतियोगिता अभियान चलाएंगे, जो मोदी जी ने जो काम किया है उसमें लोगों से पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे, उसका हम जवाब देंगे, इस तरह का कार्यक्रम चलेगा। नमो विद नमो लेखक नेटवर्क, हमने कुछ कार्यकर्ता तैयार करेंगे जो मोदी जी के बारे में और मोदी जी के किए गए कामों में एक लेख लिखेंगे, जो हम उसका छटनी कर उसको हम जनता तक और बूथ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कमल युवा महोत्सव करेंगे, 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में सारे युवाओं को जोड़ेंगे, पूरे जिले में, हर जिले में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। राज्य स्तर हमने युवा टाउन हॉल अपना पूरे ज़िले में लगाएंगे, 14 के 14 जिले में, ये जो हमारे काम है। और 2 मार्च को लास्ट में जो हमारा कार्यक्रम 2 मार्च को होना है, वो पूरे दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा में मोटरसाइकिल रैली निकलेगी, उसी दिल्ली के अलावा पूरे देश में हर विधानसभा में मोटरसाइकिल निकलेगी, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मोदी जी उसको देखेंगे। वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा आने वाले टाइम पर, क्योंकि जब उसकी आप अगर हेलीकॉप्टर से या उससे उसकी फ़ोटो बनाएंगे तो पूरा देश भगवा कलर में दिखेगा, लोग मोटरसाइकिल में उस पर घूम रहेंगे। तो ये उस कार्यक्रम की पहली महारैली है, और इसके बाद हम ये सारे कार्यक्रम शुरू करेंगे। और हमने एक मिस कॉल नंबर उसमें लॉन्च किया था कि युवा देखते हैं कितना भागीदारी इसमें करते हैं, वो नंबर था 1800-200-8010। उस नंबर पे कम से कम 80,000 मिस कॉल अभी तक हमारे पास आई हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से अब काम चल रहा है, कल 1,00,000 युवा उस पर मिस कॉल मार चुके होंगे कल तक, उसके माध्यम से भी हम लोग उससे जुड़ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, युवाओं को जोड़ने की ये महारैली है, और उस महारैली के माध्यम से मोदी जी की उपलब्धियों को नीचे पहुँचाने का काम करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है।
और मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है, यही संकल्प हम उस रैली से लेकर जाएंगे। वैसे तो इतना काम देने के बाद अक्सर मोर्चे के अध्यक्ष हाथ जोड़ते हुए आ जाते हैं कि भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मोर्चे हैं उनके चेहरे पे मुस्कान भी देख रहा हूँ और ये कहते हैं कि और भी ज़्यादा काम दीजिए। तो कल के इस युवा विजय संकल्प महारैली में आप सबका बहुत स्वागत है, मैं आप सभी का इंतज़ार करूँगा।